सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है हमारे शनि पर्वत पर उभरने वाला काला या लाल तिल का प्रभाव। देखिए, ये हमारी शनि की उंगली, इसके नीचे ये शनि पर्वत, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। यहाँ पर ना फ्लैट समतल को ही वेल डेवलप्ड माना जाता है। और यहाँ पर आपकी मान लीजिए कि भाग्य रेखा भी है, तो भाग्य रेखा लोग देख के एक बार में कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है आदमी और खुश सफलता प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन कई बार बिल्कुल उल्टा होता है, हाथ में भाग्य रेखा होती है लेकिन आदमी के पास ना भाग्य होता नहीं, उल्टा सफलता मिलती रहती है। क्यों? एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपका शनि पर्वत है वो फ्लैट है, भाग्य रेखा भी अच्छी है लेकिन अपेक्षा सफलता नहीं मिल रही। हो सकता है कि यहाँ पर कोई काला तिल, चमकीला तिल उभर जाए। ये दिखा रहा है काला तिल कि आपकी कुंडली में शनि ना नीच राशि में है। अब क्या होगा? बड़ा प्रतिकूल समय है जिंदगी में, सब जगहों पर आपको ना संघर्ष करना पड़ रहा होगा। आपकी सेहत ही प्रभावित होगी, आपकी जीभ भी प्रभावित होगी, दिमाग भी प्रभावित होगा, दिल भी प्रभावित होगा, सब निराश, सब दुखी। ये प्रतिकूल है ना, तो काम नहीं बनते, उल्टा घाटा हो जाता है। कितनी कोशिश कर लो, एक आधा प्रोजेक्ट कोई अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। या प्रोजेक्ट होते भी हैं तो पेंडिंग में पड़े होते हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते। और कई बार जा तक इतना परेशान हो जाता है ना, वो बार बार मिलते रहने वाली सफलता से ज़्यादा थोड़ा सा केयरलेस होता है, छोड़ो यार बहुत दुखी हो गया। बस आपको उस स्टेज पर ना थोड़ी हिम्मत दिखानी है। प्रतिकूल समय है, अब इस काले तिल को दूर करना है। मरता क्या नहीं करता, एक दो पाए शायद काम कर जाएं, कोशिश करना। क्योंकि कोई वो नाव की कील मिल जाए आपको, जितनी पुरानी कील होगी उतना अच्छा। अब उस कील से ना एक छल्ला बनवाओ, जहाँ जोड़ना हो कहीं पर भी। शुक्रवार की शाम को ना उसे पहले स्वच्छ जल से धोइए, गंगा जल से धो लीजिए, फिर उसके उसको ना एक छोटी सी कटोरी में या कप में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, उसमें डाल देना उसको, इतना दूध हो कि वो डूब जाए अंदर आपका छल्ला। फिर शनिवार की सुबह उठिए, शौच आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर अपना वो छल्ला निकालिए कच्चे दूध में से, उसको दोबारा स्नान कराइए गंगा जल से या स्वच्छ जल से, फिर पूजा की जगह जाके रख दो उसको, वहाँ दीप दिलाओ, वहाँ धूप दिखाओ और फिर ओम शनिचराय नमः ये बोलते हुए ना शनिवार के रोज़ शनि उंगली में धारण कर लेना। बहुत अनुकूला जीवन में आएगी, बहुत फर्क पड़ेगा, चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी। हो सकता है ये तिल धीरे धीरे गायब होने लगे। एक तरीका और है कि आसपास में कोई शनि मंदिर हो या किसी मंदिर में शनि की प्रतिमा हो, वहाँ जाना और वहाँ सरसों का तिल चढ़ाना। और जिस पात्र में आप सरसों का तिल ले जाए ना, अगर लोहे का पात्र हो तो अच्छा, और पात्र को भी वही छोड़ देना। अच्छा होके तिल के साथ ना कुछ वो डाल देना, काले तिल, कोई लोहे का छोटा टुकड़ा हो ना, पुराना टुकड़ा लोहा, वो भी डाल लेना। हो सके तो एक दो सिक्के डाल देना उसके अंदर,
सबको चढ़ा दो शनि की प्रतिमा के ऊपर ओम शनिचराय बोलते हुए, और जो आपका लोहे का पात्र है ना उसको वहीं छोड़ के आ जाना। करो 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार, बहुत फ़ायदा होगा। शायद आपका तिल गायब हो जाए या कम पड़ सकता है, चीज़ें पटरी पर आ जाएगी, सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, हो सकता है। नहीं तो भाग्य रेखा भी है, भाग्य साथ ही नहीं रहा, बड़ा अजीब लगेगा। पर्वत शुभ अवस्था में है लेकिन काले तिल सब गड़बड़ कर रखी है। अगर ऐसे में यहाँ पर कोई लाल तिल उभरे, अब बिल्कुल विपरीत फल हो गया। अब कुंडली में आपका जो शनि है ना वो उच्च राशि में है, उच्च अवस्था में है, अब आपको अनुकूलता मिलेगी, अब संघर्ष के बजाय सफलता। जिस क्षेत्र में हैं आप लोग वहाँ आपको बराबर अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, लाभ प्राप्त करने के। कई बार तो लगे आपको कि आप कम कोशिश कर रहे हैं और काम होते जा रहे हैं, सफलता मिलती जा रही है, धर्म बरस रहा है, आप मिट्टी को भी हथलाओ सोना बन जाती है। कई बार समय आता है ऐसा, ऐसे समय में प्रार्थना करना अपन वाले से और सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। ये तिल ना, काला तिल हो लाल तिल हो, ये प्रभाव रेखाओं की तरह से होते हैं, उभरते हैं हथेली पर, कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं। काला है तो जल्दी ख़त्म हो जाए, और अगर लाल है तो आज ज़्यादा देर तक रहे, आपको खूब आर्थिक सफलता देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, शनि पर्वत भाग्य रेखा और लाल और काले तिल के बारे में। आशा करता हूँ इससे आपका थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।